यूपी के सीतापुर में शक के आधार पर लोगों की भीड़ एक युवक को सजा देने पर आमादा हो गई। भीड़ के मुताबिक इस युवक पर बकरी चोरी का आरोप है। बकरी चोरी के आरोप में इन लोगों ने युवक के हाथ बांध दिए और इसे बेरहमी से मारा पीटा, सड़क पर घुमाया। मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। ये युवक खुद को बेकसूर बताकर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन यहां मौजूद लोगों में से किसी ने इसकी पुकार नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सभी बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यूपी के ललितपुर में माता टीला बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण बेतवा नदी उफान पर है। यहाँ एक किसान 3 दिनों से बेतवा नदी के एक टापू पर फंसा हुआ था। जब इसकी खबर जिला प्रशासन को मिली तो किसान को बचाने के लिए सेना से मदद मांगी गई। आखिरकार सैनिकों ने 3 दिनों से भूखे प्यासे किसान को नदी से बाहर निकाला। सेना ने दूसरी बार बेतवा में फंसे किसान को बचाया है। इससे पहले सुकवा डुकवा बांध के करीब फंसे 6 किसानों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया था। ये वीडियो बिहार के कैमूर जिले का है। यहाँ बाढ़ के पानी ने कुदरा और रामपुर के बीच बनी पुलिया को डुबो दिया। देखिए, कैसे लोग अपनी जान पर खेल कर डूबे हुए पुल के ऊपर से नदी पार कर रहे हैं। थोड़ी सी चूक इनकी जान ले सकती है। इसके बावजूद गांव के लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस पुलिया का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। राजस्थान के कई जिलों में बारिश और बाढ़ मुसीबत बनी हुई है। ये वीडियो धौलपुर के बसेड़ी का है, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल से रास्ता पार कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से यहां के 20 गांव का कनेक्शन शहरों से कट गया है। ऐसे में उस पार जाने के लिए रेलवे पुल के सिवा और कोई रास्ता नहीं। उधर राज्य के 12 जिले में लगातार बारिश से नदियां उफनने लगी। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। बाढ़ की वजह से कई कच्चे मकान धराशायी हो चुके हैं। घरों और दुकानों में भरे इस पानी को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी के कानपुर और इसके आसपास के शहरों में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी किनारे बसे गांव में लगातार बाढ़ का पानी घुसता जा रहा है, जिससे 200 गांव के करीब 12,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कानपुर के निचले इलाकों से लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कानपुर के करीब उन्नाव में बाढ़ राहत सामग्री से भरी नाव पलट गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नाव में सवार नगर पालिका अध्यक्ष और उनके साथियों को डूबने से बचाया। ये सभी लोग नाव से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने जा रहे थे। उन्नाव में ही एक और हादसा भी हुआ। यहाँ जिला अस्पताल के मेन गेट के पास ही दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरा सी चूक हुई और सीधे सीधे नीचे गिरने का खतरा। ये कोई खेल प्रतियोगिता नहीं हो रही है, ना ही ये लोग रोमांच के लिए ऐसा कर रहे हैं। दीवार पर चलना इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि रास्ता बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। ये वीडियो हरियाणा के भिवानी के निमड़ी गांव का है। दीवारों पर चलने वाले ये लोग इस गांव के सरकारी स्कूल के टीचर हैं और इस तरह अपनी ड्यूटी करने यानी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। हर साल बरसात के दिनों में यहां इतना पानी भर जाता है कि स्कूल जाने वाले सभी रास्ते डूब जाते हैं। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, वो है स्टेडियम की खस्ता हाल दीवार। जिंदगी को दांव पर लगाकर इसी दीवार से टीचर स्कूल आते जाते हैं। टीचर्स के मुताबिक शिक्षा विभाग को कई बार इस संबंध में शिकायत भेजी गई,
लेकिन अभी तक किसी ने भी सुध नहीं ली। शायद उन्हें किसी हादसे का इंतजार है। ये यूपी की एक विवाहिता के ससुराल का दृश्य है। अलीगढ़ के इस वीडियो में दो बातें गौर करने वाली हैं। सबसे पहली तो है कि इंसान की बेरहमी और दूसरे एक बेजुबान जानवर की संवेदनशीलता। पत्नी को बेरहमी से पीट रहे इस व्यक्ति को दहेज में कार चाहिए। मांग पूरी नहीं हुई तो उसने पत्नी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसे लात घूंसों से पीटा और करीब करीब अधमरा कर छोड़ दिया। गौर से देखिए, एक तरफ पति इस महिला को पीट रहा है तो दूसरी तरफ वहीं पर मौजूद कुत्ता महिला के आसपास परेशान सा नजर आ रहा है। शायद वो महिला को इस मारपीट से बचाना चाहता है, लेकिन दो ताकतवर इंसानों के सामने बेबस है। पीड़ित के मुताबिक इसे सिर्फ बुरी तरह पीटा ही नहीं गया बल्कि इसके हाथों को भी जलाया गया है। अगर यहाँ सीसीटीवी नहीं लगा होता तो इस लालची पति की बेरहमी शायद कभी सामने नहीं आ पाती। बहरहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झारखंड के रामगढ़ में 8 हाथियों के झुंड ने गांव पर हमला बोल दिया। चिंगारते हाथियों को देखकर गांव में दहशत फैल गई। इस झुंड में बड़े हाथी भी थे और उनके बच्चे भी। गांव में घुसते ही इन हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया। हाथियों का यह झुंड 2 दिनों से इस इलाके में डेरा जमाए हुए है। रामगढ़ के कई गांव में हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गांव में उत्पात मचा रहा है और गांव के लोग इनके सामने पूरी तरह बेबस हैं। अनंतनाग में फंसे 10 ट्रैकर्स को सही सलामत बचा लिया गया है। अनंतनाग जिले के कोल्हाई ग्लेशियर में ट्रैकिंग के लिए गया एक ग्रुप शुक्रवार को ग्लेशियर की दरार में गिर गया था। इस हादसे में 2 ट्रैकर की मौत हो गई और 10 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सही सलामत निकाल लिया। मृत ट्रैकर्स की पहचान जूनियर राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी नाविद जलानी और आदिल शाह के रूप में की गई है। राहत और बचाव के लिए सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 12 सदस्यों का एक ग्रुप रविवार सुबह पहलगाम से ट्रैकिंग के लिए निकला था। दुर्घटना स्थल पहलगाम से करीब 25 किलोमीटर दूर है। और अब खबर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ने उम्मीद जताई कि 2019 में बीजेपी 2014 से भी बड़े मैंडेट के साथ वापस आएगी। और आज निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण पर कि वो जीत का क्या मंत्र देंगे। कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को सलाह दी है कि वो विपक्ष के जाल में ना फंसे और अपने मुद्दों पर डटे रहें। उनकी जीत जरूर होगी। बैठक के पहले दिन तय हुआ कि अमित शाह 2019 के आम चुनाव तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। इसका मतलब ये कि 2019 तक बीजेपी संगठन के चुनाव नहीं होंगे। अमित शाह का वर्तमान कार्यकाल जनवरी 2019 में खत्म हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 7 महीनों तक सिर्फ भारत माता और कमल का फूल याद रखें। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ब्रेकिंग इंडिया अभियान चला रही है। 2014 से 19 तक हमने क्या क्या अच्छा काम किया, उसके ऊपर बात करने के लिए सबको ले आना है पब्लिक में। हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर हमारे बात होना है 2019 में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनका बयान याद होगा कि इलेक्शंस तोड़ते हैं, अब एक और धमकी उन्होंने केंद्र सरकार को दी है। फारूक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 35 ए और 370 पर अपना रुख साफ नहीं किया तो उनकी पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेगी। क्या आपका 35 ए और 370 पे क्या स्टैंड है वो मुल्क के सामने क्लियर। जब वो क्लियर हो जाएगा हम लोग इलेक्शन से भागने वाले नहीं। फारूक अब्दुल्ला इससे पहले पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी कर चुके हैं।
फारूक अब्दुल्ला क्या हवा मुरग है, जिधर घूमता है उधर घूमते हैं, उनको कभी बीजेपी के साथ कभी बीजेपी के विरोध में है। 35A की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 19 जनवरी 2019 को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जम्मू में 35A को जारी रखने के पक्ष में है।